इन दिस क्वेश्चन सोल्व फॉर एक्स एंड वाई. फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाई सॉल्विंग दीज इक्वेशन. सो फर्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से. सो दिस विल बिकम बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू जीरो. ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई इजक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, नाउ अब हम एक्स के कोफिशियंट को इक्वल करेंगे, तो इसलिए इक्वेशन फर्स्ट को दिस इक्वेशन फर्स्ट दिस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बी को इक्वेशन सेकेंड को बी से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो. ओके, सेकेंड इक्वेशन विल बिकम ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट माइनस माइनस माइनस. सो दिस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से माइनस ऑफ वाई कॉमन हो गए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई इक्वल टू बी, y comes out to be b. Okay, so put the value of y equal to b in equation first, we will get the value of x. So b x minus a y equal to 0, this is the equation first. So b x minus a y is y equal to b equal to 0. Okay, so b x equals to a b. Okay, so b say b cancel out, x is equals to a, so x comes out to be a. सो एक्स के लिए हमारे पास है आ गई ए, एंड बी इक्वल टू वाई, सॉरी वाई बी इक्वल टू बी आ गया हमारा, वाई इक्वल टू बी आ गया. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, विच कम्स आउट टू बी ए एंड बी. ओके.